सोमवार से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की शुरुआत हो गई है। बता दें कि वहीं छतरपुर जिले में भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य अपने अपने फॉर्म निर्धारित प्रारूप में आगामी 6 जून तक जमा कर सकते हैं। बता दें कि पहले चरण में 25 जून को मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान किए जाएंगे। नायब तहसीलदार अभिनव शर्मा ने बताया कि जनपद पंचायत कार्यालय छतरपुर में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य हेतु फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपए और सरपंच पद के लिए 2000 रुपए फीस तय की गई है। वहीं 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव होने से उम्मीदवारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 13 आरओ केंद्र बनाए गए हैं, एक आरओ केंद्र है और बाकी 12 केंद्र अलग से बनाए गए हैं। इन पर फार्म लिए जा रहे हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य फार्म लिए जा रहे हैं। ये 6 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। 10 तारीख को नाम वापसी होगा। इसमें बैंक का नो ड्यूज, आपका MPV का नो ड्यूज, उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र अगर आरक्षित चीज हो तो जाति प्रमाण पत्र या जाति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जितने भी ARO केंद्र हैं उन ARO केंद्र पर और यहाँ ARO केंद्र पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसमें किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो कंट्रोल रूम से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।